नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की एक बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। काफ़ी लोग इसको दम मकई भी बोलते हैं, बहुत नामों से जानी जाती है ये। चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज और टमाटर को बहुत बारीक नहीं काटा है, इनफैक्ट उसके बहुत बड़े टुकड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी हम इसे पीसेंगे, तो इसको बहुत बारीक काट के काम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसको पीसने से पहले इसलिए सॉटे कर रहे हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाए। हमने इसमें दो बड़े प्याज लिए हैं और दो बड़े टमाटर। हम इसमें दो और टमाटर ऐड करेंगे, लेकिन वो पीसते वक्त ऐड करेंगे। जब तक हमारे प्याज और टमाटर पक रहे हैं, तब तक दो बड़े चम्मच काजू के ले लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 पीस काजू आता है इसमें। इसमें 3 बड़े चम्मच पानी डाल के इसको साइड में रख देंगे जिससे काजू सॉफ्ट हो जाएं। प्याज में थोड़ा रंग आने लग गया है और टमाटर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसको पीस लेंगे। टमाटरों को आप जितना पकाते हैं उनकी उतनी मिठास निकल के आती है, इसीलिए हम कुछ टमाटर अभी पका रहे हैं और कुछ बाद में डालेंगे, जिससे फ्लेवर्स का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बने। हमने टमाटर और प्याज मिक्सी में डाल दिया है। करीब आधा कप पानी भी डालेंगे इसमें और 2 टमाटर या 200 ml टोमेटो प्यूरी भी डाल देंगे। इसको पीस लेंगे जब तक एकदम स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। अब हमने अपने टमाटर और प्याज का जो प्यूरे बना लिया है, इसको हटाने के बाद जो हमने काजू पानी में सोक किए थे, अब इसको भी पीस लेते हैं। फिर से पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। और 1-2 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा रोस्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और 3-4 लहसुन के टुकड़ों को बारीक काट के इसमें डाल दीजिए। अदरक और लहसुन को जब आप तेल में सॉटे करते हैं, उसका जो कच्चा स्वाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे, लेकिन हल्दी अभी डायरेक्टली हम तेल में ही डालेंगे और उसको फटाफट सॉटे कर लेंगे। जब हम मसाले गरम तेल में या गरम सब्जी में डालते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मसाले जल ना जाएं। इसलिए मसाले डाल के फटाफट उसको सॉटे कर दिया करिए। अब हमने जो टमाटर प्याज की प्यूरे बनाई थी उसको इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। ये डालना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मकई जो होता है ये काफ़ी मीठा होता है अपने टेस्ट में, तो ये जो शिमला मिर्च है ये उसके टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस कर देता है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये इसको टेस्ट भी देगा और कलर भी देगा। फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1-1.5 छोटा चम्मच नमक, या आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे ग्रेवी में और 3-4 मिनट अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच चीनी। चिंता मत करिए, इससे ग्रेवी मीठी नहीं होगी, बस ये फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। अब हम इसमें जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था उसको डाल देते हैं। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा काजू इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, या इसमें खोया और मावा भी डालते हैं। मुझे लगता है इसमें उन सब की ज़रूरत नहीं है। हमने 6-7 टुकड़े काजू इस्तेमाल किए थे और हमने मावा बिल्कुल नहीं डाला है, लेकिन आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी रिच और खूबसूरत लग रही है, कलर कितना सुंदर आया है ग्रेवी का। अब हम सब्जी में 2 कप कॉर्न डाल देंगे, क्योंकि हम फ्रोज़न कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसको बिल्कुल उबाला नहीं है। बस इसके ऊपर जो बर्फ़ की परत बन जाती है उसको हटाने के लिए हमने इसे नॉर्मल पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1-2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई और इसको सब्जी में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इससे सब्जी का रंग और खूबसूरत हो गया है और ग्रेवी बहुत ही मखमली हो गई है। अब हम इसमें 1/2 कप से 3/4 कप पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना पानी डालिए कि ग्रेवी जैसी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं उस कंसिस्टेंसी की हो जाए। इस पॉइंट पे थोड़ा सा टेस्ट करके नमक चेक कर लीजिए कि नमक काफ़ी है या नहीं। अगर नमक कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। एक चीज़ जो कॉर्न की मिठास के साथ बहुत अच्छी जाती है वो है चीज़। चीज़ थोड़ी नमकीन होती है तो वो कॉर्न के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तो मैं इसमें चीज़ स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ के ब्लॉक आते हैं उसको भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। चीज़ को आखिर के समय में ही डालिएगा, अगर आप बहुत पहले डाल देंगे तो हो सकता है चीज़ जो है वो बर्तन के तले में चिपकने लगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। धनिया को काटने का सबसे आसान तरीका होता है किचन की सीजर्स। जो साफ सीजर होती हैं जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, उससे धनिया को फटाफट बारीक काट दीजिए। धनिया बहुत जल्दी कट जाती है और बहुत ही आसानी से कट जाती है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों के बीच में मल के तब डालिएगा, उससे उसका फ्लेवर तुरंत निकल आता है।
कसूरी मेथी को आखिर में ही डाला जाता है और ये एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्वाद दे देता है। बस अब इसको मिला लीजिए, हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और थोड़े और धनिया से और क्रीम से इसको गार्निश कर देंगे। हमारी मकई की सब्जी रेडी है, बहुत ही आसान है। ग्रेवी एकदम नॉर्मल टोमेटो की ग्रेवी है, बहुत मखमली, अच्छे कलर की और अच्छी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी है और इसका स्वाद सच में लाजवाब है। बहुत ही रिच टेस्टिंग सब्जी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त मेरे साथ शेयर करने के लिए। मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए और खुश रहिए। बाय बाय।